नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खेती बाड़ी किसान सेंटर में। और मैं सोनू मीणा एक बार फिर हाजिर हूँ एक और नई वीडियो में। तो साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम घर, गार्डन, खेत, ऑफिस में जब भी कोई पौधा लगाते हैं तो उसे किस तरह लगाएं। साथियों, आम तौर पर क्या होता है कि जब हम किसी नर्सरी या पौधशाला से कोई पौधा लेकर आते हैं और उसे तुरंत लगा देते हैं, आप और हम दो तीन दिन बाद देखते हैं कि हमारा पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा और फिर हम उस पौधे में थोड़ा और पानी डाल देते हैं। 4-5 दिन बाद जब हम देखते हैं तो हमारा पौधा बिल्कुल मुरझाया हुआ होता है और हम हताश निराश होकर उस पौधे को जड़ से बाहर निकाल देते हैं। और हम देखते हैं कि हमारा पौधा तो दीमक का शिकार हो गया है, जबकि दीमक ने हमारे पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। जबकि मेरे प्यारे किसान साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि दीमक तो एक किसान का मित्र जीव है जो अपशिष्ट पदार्थों को खाकर मिट्टी में बदलने का काम करता है। लेकिन आप लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी होगी, क्योंकि आपने तो अपनी आंखों से देखा था कि आपके पौधे को दीमक खा रही थी। तो मैं मानता हूँ कि आप भी अपनी जगह सही हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज इन्हीं कुछ बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं कि हमसे कहाँ गलती हुई और हमारे पौधे में दीमक क्यों लगी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। इससे पहले आप लोगों से मेरी विनती है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों, पौधा लगाने के 7-8 दिन पहले हमें एक 1.5 फुट का चौड़ा और 1.5 फुट गहरा खड्डा खोद लेना चाहिए। साथ ही साथ जब हम खड्डा खोदें तो हमें ऊपर की आधी फुट की मिट्टी अलग रख लेनी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में अधिक मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। अधिकांश मेरे साथी जो पौधे लाते हैं और उसी दिन लगा देते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेरे बताए अनुसार अगर पौधा लगाते हैं तो आपका पौधा ग्रोथ भी करेगा और आपका पौधा सफल भी होगा। जब हम किसी पौधशाला से पौधे लेकर आते हैं तो वहां का वातावरण उन पौधों के लिए बिल्कुल सही होता है। तो हमें इसके लिए यह तरीका अपनाना चाहिए कि हम किसी भी पौधशाला से पौधे लेकर आएँ तो हमें एक तो तुरंत नहीं लगाना चाहिए, और जो भी पौधे हम लेकर आएँ उन्हें छैया में नहीं रखने चाहिए, उन्हें हल्की धूप में रखना चाहिए। अब बात करें खाद की, तो किसान साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, खाद में हम गोबर खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं जो कम से कम 40-50 दिन पुरानी हो। और हम अगर गोबर खाद का प्रयोग नहीं करना चाह रहे तो हम केचुआ खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। किसान साथियों, अब बात करें मात्रा की, तो जब हमने गड्ढे के ऊपर की आधी फुट की मिट्टी निकाली थी, उतनी ही मात्रा में हमें गोबर की खाद का प्रयोग करना है। और केचुए की खाद आप फलदार या छायादार पौधों के हिसाब से 2 या 3 केजी का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, अब बात करें हमें कुछ ऐसे मिश्रण की जो हमारे पौधे में ग्रोथ का काम भी करेगा, साथ ही साथ हमारे पौधे में लगने वाले कीटों या कीड़ों से भी हमारे पौधे को बचाएगा। इसके लिए हमें 100 ग्राम हल्दी लेनी है, साथ ही साथ 100 ग्राम हमें फिटकड़ी लेनी है, और 500 ग्राम हमें गुड़ लेना है, साथ ही हमें 1 लीटर भीगी हुई कली का प्रयोग करना है। इन सारे मिश्रण को हमें 20 लीटर पानी में अच्छी तरह मिलाना है। जब हम पौधा लगाएं उससे पहले हमें इस मिश्रण का प्रयोग करना है। साथियों, जब हम पौधा लगाने की तैयारी करें उससे पहले हमने जो खाद और मिट्टी ली है वो हमने जो गड्ढा खोदा है उसके अंदर डाल देना है। साथ ही साथ जो हमने ये मिश्रण लिया है उसका 2 लीटर 10 लीटर पानी में डाल देना है। अब तक किसान साथियों, मेरे प्यारे साथियों, हमने अब तक हमारे गड्ढे में पौधा नहीं लगाया है। ये सारा मिश्रण डालने के 2-3 घंटे बाद ही हमें अपने गड्ढे में पौधा लगाना चाहिए। हो सके इतना आप पौधा जब भी लगाएं शाम के समय पौधा लगाएं, क्योंकि शाम के समय अगर हम पौधे को लगाते हैं तो उसे रात की नमी बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। एक और विशेष ध्यान हम ये रखें, जब भी हम कोई पौधा लगाएं उसे हमने जो गड्ढा खोदा है उसके बिल्कुल सेंटर में लगाएं, और साथ ही साथ अपने गड्ढे में जब पौधा लगाते हैं उस पौधे के तने के ऊपर हमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए और बाहरी आवरण होता है वहाँ हमें पानी डालना। अगर आप लोग किस प्रकार पौधे लगाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना। साथ ही साथ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताना और अन्य किसानों के साथ शेयर करना। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्द होंगे हाजिर एक नई वीडियो में। तब तक बने रहें चैनल पर और हमारे चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहें। धन्यवाद।